हेलो दोस्तों, एयरकास्टर का नया वर्जन लॉन्च हुआ है 6.0। इसमें हमने एक फीचर ऐड ऑन किया है, मिक्सर। ये फीचर आपको यहाँ टैब में लास्ट में नज़र आएगा। ये मिक्सर का फीचर है। मिक्सर में हम किसी भी फाइल को क्रोमा कर सकते हैं और मल्टी विंडो बना सकते हैं। तो ये सब हम कैसे करेंगे और इससे किस तरीके से किया जाता है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हो, दिया हुआ है मिक्सर। ये मिक्सर का ऑन ऑफ बटन है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो हमारा जो मिक्सर का फीचर है वो ऑन हो जाता है। यहाँ पर ये कुछ मैंने पहले से बनाया हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली लोड हो गया है। इसमें हमने चार विंडो ली हैं, एक एंकर क्रोमा लिया है और एक ये हमारी बैकग्राउंड है। तो अभी हम एक न्यू सीन करते हैं। न्यू सीन करके किस तरीके से हम इसमें वीडियो ऐड कराएंगे, कैसे फाइल को क्रोमा करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हो ऐड वीडियो बटन, यानी फाइल वीडियो फाइल ऐड करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें प्लेलिस्ट जो हमारा ऑन ईयर लिस्ट चल रही है उसको भी मिक्सर में ऐड करना है तो ये ऐड ऑन ईयर लिस्ट का बटन दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करके आप मिक्सर में अपनी ऑन ईयर लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई फाइल आपकी नेटवर्क से आ रही है यानी स्ट्रीमिंग से आ रही है तो ऐड यूआरएल में आप उसका यूआरएल टाइप करके उसको भी ऐड कर सकते हैं। और ये ऐड लाइव है। अगर आपने कोई फिजिकल डेकलिंग कार्ड इंस्टॉल किया हुआ है और उससे फिजिकल इनपुट ले रहे हो तो आप ऐड लाइव करके जितने भी डिवाइसेज आपने मशीन में इंस्टॉल किए हैं उतने लाइव आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये सीन के लोड करने का बटन है, ये सीन सेव करने का बटन है, ये न्यू सीन करने का बटन है। सबसे पहले हम एक वीडियो ऐड करते हैं। वीडियो ऐड करने के लिए हम ऐड वीडियो बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एक वीडियो ऐड करा लेते हैं। ये वीडियो हमारे यहाँ पर ऐड हो जाती है। अब इसको हमें मिक्सर से कॉल कराना है तो मिक्सर में कॉल करने के लिए हम इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऊपर दिया है फोरग्राउंड। फोरग्राउंड को सेलेक्ट करके ऐड वीडियो बटन पे इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी वीडियो मिक्सर से लिंक हो जाती है। ये हमारी बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड पे हमें कोई एंकर लाना है। अगर आप लाइव एंकर ले रहे हो तो ऐड लाइव बटन पे क्लिक करके यहाँ पर लाइव सोर्स इनपुट करके उसका क्रोमा करके यहाँ लगा सकते हो। मेरे पास अभी लाइव सोर्स नहीं है तो मैं एक ऑफलाइन वीडियो ले लेता हूँ। ऐड वीडियो पर क्लिक करके यहाँ से मैं एक क्रोमा वीडियो उठा लेता हूँ। ये मेरी एक क्रोमा वीडियो यहाँ ऐड हो जाती है। अभी इस फाइल को मुझे इस बैकग्राउंड के ऊपर दिखाना है तो मैं यहाँ फोरग्राउंड पर सेलेक्ट करूँगा, ऐड वीडियो पर क्लिक किया, यहाँ पर ये मेरी लोड हो जाती है। अब मुझे इस फाइल को क्रोमा करना है तो यहाँ पर आपको फाइल के ही अंदर क्रोमा का बटन दिया हुआ है, ऐड क्रोमा। अब आप ऐड क्रोमा बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से मोड सेलेक्ट करेंगे और ऑटो क्रोम कर देंगे, अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ आपका क्रोमा ऑटोमेटिकली हो गया है। अब इसको इसके साइज को मैनेज करने के लिए यहाँ से आप वीडियो स्ट्रीम 01 को सेलेक्ट करेंगे। ये सेटिंग बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर आपको हाइट, विड्थ, मूव एक्स, मूव वाई, ओपेसिटी, जूम, क्रोप एक्स, वाइज, एच, डब्ल्यू और वॉल्यूम, बॉर्डर साइज, बॉर्डर कलर, ये सारी चीज़ें दी है। वीडियो मास्किंग, यहाँ से आप इन सेटिंग का इस्तेमाल करके जो भी सेटिंग आपको करनी है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी मेरे को इसको मूव एक्स करना है तो मैं यहाँ से मूव एक्स कर दूंगा। तो इस तरीके से ये मेरा क्रोमा हो गया बैकग्राउंड के साथ। अब अगर इस मिक्सर को मेरे को ऑन ईयर करना है तो ऑन ईयर करने के लिए आप यहाँ देखेंगे स्विचर करके एक टैब दिया हुआ है एक्सप्लोर के सबसे लास्ट में। आप इस स्विचर पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखते हो एक बटन दिया हुआ है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट यानी जो अभी ऑन ईयर लिस्ट आपकी चल रही है वो ऑन ईयर हो रहा है। वो मिक्सर, ये आपका मिक्सर हो जाता है। लाइव यानी अगर आपको लाइव ऑन ईयर करना है तो लाइव किस सोर्स को ऑन ईयर करना है यहाँ से सोर्सेज सेलेक्ट करोगे। जब आपकी डिवाइसेज इंस्टॉल्ड होंगी तो सारी यहाँ पर लिस्ट में आ जाएंगी और यहाँ से लाइव बटन पे क्लिक करोगे तो आपका लाइव हो जाएगा। अभी हमें मिक्सर ऑन ईयर करना है तो हमने मिक्सर यहाँ से सेलेक्ट किया, मिक्सर को क्लिक किया तो हमारा मिक्सर ऑन ईयर हो जाता है। वापस से प्लेलिस्ट पे आपको आना है तो प्लेलिस्ट सेलेक्ट करोगे, प्लेलिस्ट पे आ जाएगा। वापस से मिक्सर स्विच करना है, आप मिक्सर पे क्लिक करके मिक्सर में स्विच कर दोगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप क्रोमा कर सकते हो। अगर आपको मल्टी विंडो बनानी है तो मैं ये जो फाइल है इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ हम वीडियो ऐड करा लेते हैं। हमारे पास ये क्लिप है, इन क्लिप को हम ऐड कर लेते हैं। आप यहाँ पे
लाइव भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके पास लाइव सोर्स है तो आप ऐड लाइव करके यहाँ पर जितने लाइव आपके पास हैं उतने लाइव ऐड कर सकते हो। नेटवर्क यूआरएल है, आप एक में नेटवर्क यूआरएल ऐड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने कनेक्ट किया, यूआरएल टाइप करी, मुझे प्रीव्यू मिला और मैंने उसको ऐड टू लिस्ट कर दिया। तो इस तरीके से मेरे पास ये नेटवर्क यूआरएल ऐड हो जाती है। तो सबसे पहले मैं कैम वन को वीडियो स्ट्रीम से लिंक कराता हूँ, ये आ जाता है। फिर मैं कैम टू को लिंक कराता हूँ, कैम थ्री को लिंक कराता हूँ, उसके बाद मैं इसको स्ट्रीम करा देता हूँ। अब मुझे इन सबके साइज मैनेज करने हैं, तो सबसे पहले मैं जो मैंने सबसे लास्ट में सेलेक्ट की थी उसको सेलेक्ट किया है, सेटिंग पे क्लिक किया और मैंने इसका साइज कहा 50, ये मेरे साथ में देख रहे हो आप। फिर मैं सेकंड को जाता हूँ, उसको सेलेक्ट किया। इसी तरीके से मैं सबका साइज छोटा कर लेता हूँ। बहुत आसान है, इसमें मल्टी विंडो आप बना के इसको सेव भी कर सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में अगर लोड करना हो तो आप उसके लिए। अब यहाँ पर मैंने किया, अब इसका मूव एक्स करके हम इसको -30, एक हम यहाँ रख लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं, इसको इसका एक्स देते हैं -30 और इसका वाई नीचे ले आते हैं। इसी तरीके से थर्ड को सेलेक्ट करते हैं, तरीके से स्क्रिप्ट को हम और छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से हमने ये 5 PIP करके आप आपको सेव करके सेव करेंगे यहाँ से 5 विंडो करके आपने इसको। रीसेट में जाते हैं हम, यहाँ इसको 5 विंडोज करके